हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल द वे एजुकेटर। और आज से आपका 4.0 कोर्स शुरू हो रहा है। इन दिस कोर्स हम आपको शॉर्ट कॉन्वर्सेशन सिखाएंगे, रीड करना सिखाएंगे और भी बहुत कुछ सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको इस 4.0 कोर्स का क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट नंबर वन ये रहेगा कि सबसे पहले आपको रीडिंग करने को मिलेगा। रीडिंग करने से आपकी टंग ट्विस्ट होगी और जो इंग्लिश आप बोल नहीं पाते हो वो आपको बोलना आ जाएगा। सेकेंड थिंग, आपको ये भी बेनिफिट होगा कि अभी तक आप लोगों ने सेंटेंस बनाना सीखा है बट ये नहीं पता किस कंडीशन में किस तरह के सेंटेंस बोलने हैं। तो यहाँ पर भी वही सेंटेंसेस हैं बट वे ऑफ मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट कि आप किस तरीके का कहाँ पर कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं। थर्ड थिंग ये है कि आपकी इंग्लिश जैसे आप बोलते हैं तो आपको एक बोलने का तरीका आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट लाइन लिखी है, हनी आई थिंक वी शुड गो समवेयर फॉर अवर हनीमून। ऐसे बोल सकते हो, हनी आई थिंक वी शुड गो समवेयर फॉर आवर हनीमून। ऐसे बोल सकते हो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, हनी आई थिंक वी शुड गो समवेयर फॉर आवर हनीमून। तो ये तीन तरीके मैंने आपको दिखाए, तो आपको वे ऑफ टॉकिंग आ जाएगा, वे ऑफ स्पीकिंग आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट थिंग, आपको कुछ नए वर्ड्स मिल सकते हैं, कुछ आपको नया सीखने को मिल सकता है। और फोर्थ थिंग क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की जो कॉन्वर्सेशन है अबाउट हनीमून है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कॉन्वर्सेशन है, कोई ज़्यादा बड़ी कॉन्वर्सेशन नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद, आप पहले आप देख लीजिए ARAR क्या है। A फॉर आशीष, R फॉर रजनी, ये हम लोगों की स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो पहले मैं आपको पूरी कॉन्वर्सेशन पढ़ के बता देता हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन में क्या लिखा है, उसका क्या मीनिंग है। कॉमा का मतलब है आपको वहाँ ठहर कर बोलना है, ये याद रखना है, ठीक है। हनी, हनी बोलते हैं प्यार से बीवी को या पति को भी, कोई आपस में दोनों किसी को भी बोल सकते हैं। हनी आई थिंक वी शुड गो समवेयर फॉर आवर हनीमून। हनी मुझे लगता है कि हमें हनीमून के लिए कहीं जाना चाहिए। सो आर फॉर रजनी, रजनी सेज श्योर हनी मतलब बिल्कुल हनी। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। सो आशीष सेज आई थिंक मनाली इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर द newlyweds. Newlyweds बोलते हैं नई नई शादी जिनकी होती है, नए जोड़े को, ठीक है। सो आई थिंक मुझे लगता है मनाली इज़ अ ग्रेट प्लेस, मनाली बहुत अच्छी जगह है फॉर द newlyweds, नए शादी वालों के लिए, नए जोड़ों के लिए अच्छी जगह है। सो रजनी सेज शैल वी गो देयर बाई ट्रेन और बाई एयर, कि हमें वहाँ ट्रेन से जाना चाहिए या फ्लाइट से। सो आशीष से आई प्रेफर टू गो बाई कार, मैं प्रेफर करूँगा कि हम कार से जाएँ। वी कैन डू सम साइट सीन ऑन द वे, वहाँ पर हम कुछ साइट सीन कर सकते हैं, मतलब जो रास्ते के जो व्यू होते हैं उनको एन्जॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट रजनी, यस आई अग्री मतलब हाँ मैं सहमत हूँ आपसे, जो आप कह रहे हो वो ठीक है। When do you plan to go there? तो कब का प्लान है, वेयर डू यू प्लान टू गो देयर, ठीक है। आशीष सेज I'm thinking of November 20th, मतलब मैं सोच रहा हूँ 20th नवंबर को जाने की। सो रजनी सेज आई थिंक सो, मुझे भी ये लगता है। वी शुड कम बैक बिफोर आर पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी। सो मुझे लगता है कि हमें अपने पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी से पहले आ जाना चाहिए। सो आशीष सेज यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कह रही हो। आई विल बुक द टिकट्स राइट नाउ, मैं अभी टिकट बुक करता हूँ, ठीक है। समझ में आया। सो आप डायलॉग मेरे भी रहेंगे और इनके भी रहेंगे, देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा बोलता है, राइट। ओके हनी आई थिंक वी शुड गो समवेयर फॉर आवर हनीमून। श्योर हनी, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। आई थिंक मनाली इज अ ग्रेट प्लेस फॉर द न्यूली वेड। ओके शैल वी गो देयर बाय ट्रेन और एयर बस। बाय बस, by air. Air, sorry. I prefer to go by car. We can do some sightseeing on the way. Yes, I agree. When do you plan to go there? I'm thinking of November 20th. I think so. We should come back before our parents' wedding anniversary. तो अभी ये गलत हुआ है, आपको बोलना है I think so. अभी हम ब्रेक लेकर बोल रहे हैं कि we should come back before our parents' wedding anniversary. I think so. We should come back before our parents' wedding anniversary. Yes, you are right.
आई विल बुक द टिकट्स राइट नाउ। तो अभी आपने देखा कि जब हम एक लंबा सा सेंटेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको एक प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? तो प्रॉब्लम आती है लॉन्ग सेंटेंसेस में, तो वही आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ये काम आएगा, बट यू कैन यूज़ दीज सेंटेंसेज ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन अबाउट द हनीमून। तो अगर शादी हो गई है तो इस तरह की आप बातें कर सकते हो, नहीं हुई तो होने के बाद कर लोगे, ठीक है? इस कॉन्वर्सेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, आपकी स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। और रीड करिए 2, 3 या 4 times सो दैट यू कैन स्पीक इजीली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कॉन्वर्सेशन की ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी है, अगर आपको ये क्लास लगा है कि दिस क्लास इज गुड फॉर यू, देन प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी अबाउट दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय एवरीबडी। जय हिंद, जय भारत।